पांच राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है, इनमें एक राज्य तेलंगाना भी है। तेलंगाना में इस बार बिल्कुल अलग चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। खासकर बीते दिनों कांग्रेस की जो भी चुनावी रैलियां हुई हैं, उनमें भारी भीड़ देखने को मिली थी। ऐसा जनसैलाब दूसरी किसी पार्टी की रैली में नहीं देखने को मिला। इससे कांग्रेस भी गदगद है और दूसरी तरफ सर्वे में भी कांग्रेस की बंपर जीत दिख रही है। लोग हैरान हैं कि आखिर तेलंगाना में अब की बार कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया कि वहां जीत की संभावना अचानक इतनी ज्यादा बढ़ गई। कहा जा रहा है कि ए रेवंत रेड्डी के तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने के बाद से ये बदलाव देखा जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने जून 2021 में तेलंगाना कांग्रेस की कमान संभाली थी। रेवंत रेड्डी को तेलंगाना चुनाव में काफी एक्टिव भी देखा जा रहा है। वो अपने प्रतिद्वंदी बीआरएस पर लगातार निशाना बनाए हुए हैं। रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के भी खास माने जाते हैं। कहा जाता है कि राहुल गांधी रेवंत रेड्डी को काफी पसंद भी करते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी राज्य के चुनाव के लिए कोई सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, लेकिन रेवंत रेड्डी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे तो तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस के पास इस वक्त सिर्फ 5 ही विधायक हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये सभी सीएम पद की रेस में होंगे और खुद को सीएम पद का दावेदार मानते हैं, लेकिन रेवंत का ग्राफ इन दिनों इनसे थोड़ा आगे नजर आ रहा है। दरअसल साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तेलंगाना में 19 सीटें जीती थी, जिसमें से 12 विधायक बगावत करके बीआरएस की तब टीआरएस की पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा एक बीजेपी में चला गया और एक लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बन गया। इस तरह कांग्रेस के पास मौजूदा वक्त में महज 5 विधायक बचे हैं, लेकिन इतने तगड़े झटके के बावजूद पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ताजा सर्वे और चुनावी रैलियों में भीड़ को देखकर ऐसा ही कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है। हालिया सर्वे की बात करें तो एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनकर उभर सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस को 48 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीआरएस के खाते में 43 से 55 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी को 5 से 11 और अन्य के खाते में भी 5 से 11 सीटें जा सकती हैं। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को कुल 39% वोट मिल सकते हैं, जबकि बीआरएस के खाते में 38% वोट जाने का अनुमान है। इसके अलावा बीजेपी को 16% और अन्य को 7% वोट मिल सकते हैं। ये सर्वे 1 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच किया गया। इस ओपिनियन पोल में करीब 90,000 लोगों से बात की गई। इससे पहले तेलंगाना को लेकर एक और सर्वे सामने आया था, ये सर्वे किया था लोकपोल ने। इस सर्वे में भी कांग्रेस बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। लोकपोल के प्री पोल सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में अगर आज चुनाव होते हैं तो 119 सीटों की विधानसभा में कांग्रेस को 61 से 67 सीटें मिल सकती हैं। दूसरे नंबर पर केसीआर की पार्टी बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के आने का अनुमान है। बीआरएस को 45 से 51 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम को 6 से 8 और बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। लोकपोल का ये सर्वे 10 अगस्त से 30 सितंबर के बीच किया गया था, जिसका सैंपल साइज करीब 60,000 था। दोनों सर्वे में सबसे चौंकाने वाली बात ये नजर आ रही है कि जिस कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में सिर्फ 19 सीटें जीती थी, वो ताजा सर्वे में 3 से 4 गुना ज्यादा सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। अगर आने वाले चुनाव में ये सर्वे सही साबित होते हैं तो कांग्रेस की ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए महज 60 सीटों की जरूरत होती है। एक सर्वे में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा छूते हुए नजर आ रही है तो दूसरे सर्वे में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से पार है। कांग्रेस से जुड़कर अचानक देश भर में चर्चा में आए रेवंत रेड्डी के सियासी सफर की भी बात कर लेते हैं। रेड्डी 1980 के दशक में अपने छात्र जीवन के दौरान एबीवीपी के सदस्य थे, लेकिन 2003 में केसीआर की पार्टी टीआरएस से जुड़कर उन्होंने सियासी सफर की असल शुरुआत शुरू की।
टीआरएस में चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिए जाने पर असंतुष्ट होकर उन्होंने साल 2005 में पार्टी छोड़ दी। 2008 में विधान परिषद का चुनाव जीता। 2008 में ही टीडीपी में शामिल हुए और कोडंगल से लगातार दो बार 2009 और 2014 में जीत हासिल कर विधायक बने। 2017 में उन्होंने टीडीपी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनावों में कोडंगल के तेलंगाना का हिस्सा बनने के बाद इस सीट पर हार गए। फिर रेवंत रेड्डी ने 2019 में मल्काजगिरी से लोकसभा चुनाव जीत लिया। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। तेलंगाना में हुए 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर दौड़ाएं तो के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस, जो अब बीआरएस है, इसने सबसे ज्यादा 88 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। कांग्रेस 19 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी। ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 7 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 1 और तेलुगु देशम पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। इस बार की सियासी रणनीति देखी जाए तो कांग्रेस लगातार अपनी प्रतिद्वंदी बीआरएस पर हमले करती हुई नजर आ रही है ताकि सियासी रणभूमि में जीत का परचम लहराया जा सके। वहीं बीजेपी ने भी तेलंगाना में अब की बार अच्छा खासा जोर लगाया हुआ है। पीएम मोदी रैली और रोड शो भी कर चुके हैं। देखना होगा कि ये चुनावी सर्वे सच में कितने तब्दील हो पाते हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा और नतीजे सभी राज्यों के, यानी सभी 5 राज्यों के एक साथ 3 दिसंबर को आएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई। विदेश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए और इसी तरीके की स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।